ईएनबी अवार्ड्स में यूपी तक की धूम। यूपी चुनाव के लिए बेस्ट इलेक्शन कवरेज का जीता अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं पर भी नमाज पढ़ने से उस स्थान को मस्जिद नहीं कहते। आप ट्रेन में नमाज पढ़िए, प्लेटफॉर्म पे नमाज पढ़िए, कार के अंदर नमाज पढ़ लीजिए, एयरपोर्ट पे नमाज पढ़ लीजिए, वो मस्जिद नहीं बन जाएगा। मस्जिद बनाने के लिए चार कंडीशन है, या तो वो जमीन खरीदी गई हो, या जमीन दान की गई हो, या खुद की अपनी अपनी जमीन हो, और वहां पे कोई ढांचा ना हो। ज्ञानवापी कभी मस्जिद था ही नहीं, क्योंकि ना वहां पे किसी ने दान किया, ना वो जमीन खरीदी गई, और ना वो जमीन वर्जिन थी, ना जमीन वो समतल थी, वहां तो ढांचा था। हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ज्ञानवापी 1947 में भी मंदिर था, आज भी मंदिर है। ज्ञानवापी का मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट से इस मामले के साथ 1991 के प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट यानी उपासना स्थल कानून, उसके भी तार जुड़े हैं। उपासना स्थल कानून को सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल के जरिए चुनौती दी। वकील और बीजेपी नेता हैं अभी अश्विनी उपाध्याय जी, तो कैसे ज्ञानवापी मामले से इस कानून के तार जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं, क्या है इसके कानूनी तकनीकी पहलुओं पर बात कर रहे हैं अश्विनी जी से। अश्विनी जी, कैसे ये पूरा कानून ज्ञानवापी से जुड़ा भी है और आपके कहने के मुताबिक उससे अलग भी है? ये मेरे साथ में 1991 का एक्ट है। ये एक्ट कहता है कि एक पन्ने का, ये दो तीन पन्ने का है, तीन पन्ने का है, केवल इसमें 8 धाराएं हैं। जल्दी बाजी में बनाया था ना, इसलिए केवल 3 पन्ने का बन पाया। और ये ऐसा कानून है पहला जिसमें एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स डिफाइंड नहीं है। जनरली कानून बनता है तो उसमें एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स रीजंस डिफाइन किया जाता है, हम क्यों बना रहे हैं, तो ये कानून ऐसा कुछ डिफाइन नहीं किया गया। लेकिन चलो हम ये मान लेते हैं कि ये कानून पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, जैसा उस समय कुछ मंत्रियों ने बोला था कि भाई हम पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कानून बना रहे हैं, तो पब्लिक ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए सेंटर बना ही नहीं सकता। दूसरा, ये बोला हम धार्मिक स्थानों का यथास्थिति मेंटेन करना चाहते हैं। धार्मिक स्थान दो कैटेगरी के होते हैं, एक भारत के बाहर के धार्मिक स्थान, एक भारत के अंदर के धार्मिक स्थान। जो भारत के बाहर के धार्मिक स्थान है, ननकाना साहब, कैलाश मानसरोवर, उसके ऊपर सेंटर कानून बना सकता है। जो भारत के अंदर के धार्मिक स्थान है उसके ऊपर सेंटर कानून ही नहीं बना सकता। ये संविधान का आप शेड्यूल 7 का जहां काम का बंटवारा देख लीजिए उठा के, उस पर स्टेट ही कानून बना सकता है। तो सेंटर के पास पावर ही नहीं थी इस कानून को बनाने का। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये कानून कोर्ट का दरवाजा बंद कर रहा है कि कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। मतलब गवाहों के बयान नहीं होंगे, एविडेंस पे बात नहीं होगी, कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं होगी और मुकदमा खत्म हो जाएगा। तो जुडिशियल रिव्यू तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको कैसे कोई कानून बंद कर सकता है। राइट टू जस्टिस, कोर्ट जाना, कोर्ट से न्याय लेना, ये राइट टू जस्टिस फंडामेंटल राइट है। अगर उसको आप बंद कर देंगे तो भारत में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, भीड़तंत्र अभी हो जाएगा। लोग कोर्ट जाने की बजाय डंडा लेके, त्रिशूल लेके पहुंच जाएंगे, बोलेंगे तो जमा हमारा है। इस कानून में अयोध्या के राम मंदिर को इससे अलग रखा गया और बाकी अन्य मंदिरों को इसे इसमें इंक्लूड किया गया। बिल्कुल, ये ग्राउंड मैंने पीआईएल में लिया हुआ है। राम और कृष्ण दोनों भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो राम और कृष्ण के बीच में भेदभाव करना आर्टिकल 14-15 का वायलेशन, ये तो आप भी जानते हैं कि जो हमारे देवता है राम कृष्ण शंकर जी, ये ज्यूरिस्टिक पर्सन है, इनको फंडामेंटल राइट है। आप इनके भी, आप विष्णु और शंकर के बीच में भेदभाव नहीं कर सकते, राम और कृष्ण के बीच में भेदभाव नहीं कर सकते। ये कानून भेदभाव करता है। और मैं तो ये कह रहा हूं, ये कानून ज्ञानवापी पे लागू ही नहीं होता। इस कानून में लिखा है कि 1947 की जो यथास्थिति थी रिलीजियस करेक्टर, उसको यथावत रखा जाएगा। तो 1947 में ज्ञानवापी का रिलीजियस करेक्टर क्या था, मस्जिद था या मंदिर था, इसको आप टेस्ट कर लीजिए, हिंदू लॉ से टेस्ट कर लीजिए और इस्लामिक लॉ से टेस्ट कर लीजिए। इस्लामिक लॉ के अनुसार कहीं पर भी नमाज पढ़ने से उस स्थान को मस्जिद नहीं कहते। आप ट्रेन में नमाज पढ़िए, प्लेटफॉर्म पे नमाज पढ़िए, कार के अंदर नमाज पढ़ लीजिए, एयरपोर्ट पे नमाज पढ़ लीजिए, वो मस्जिद नहीं बन जाएगा। मस्जिद बनाने के लिए चार कंडीशन है, या तो वो जमीन खरीदी गई हो, या जमीन दान की गई हो, या खुद की अपनी अपनी जमीन हो, और वहां पे कोई ढांचा ना हो, यानी किसी दूसरे के स्ट्रक्चर के फाउंडेशन कोई और हो और उसके ऊपर मस्जिद खड़ी कर दीजिए, नहीं, वो वर्जिन जमीन होनी चाहिए। ये वर्ड यूज किया, कुरान की बात मैं कर रहा हूँ, इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग। तो इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग ज्ञानवापी कभी मस्जिद था ही नहीं, क्योंकि ना वहां पे किसी ने दान किया, ना वो जमीन खरीदी गई, और ना वो जमीन वर्जिन थी, ना जमीन वो समतल थी, वहां तो ढांचा था। हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ज्ञानवापी 1947 में भी मंदिर था, आज भी मंदिर है। क्यों? हिंदू लॉ ये कहता है कि एक बार मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, अब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद आप मंदिर को गिरा दीजिए, छत को खत्म कर दीजिए, दीवाल को खत्म कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि वहां से मूर्ति का विसर्जन नहीं होगा। जैसे एक हफ्ते के लिए हम लोग गणेश पूजा करते हैं, जब टेंट लगता है तो जिस दिन पहले दिन वहां गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा होती है और अंतिम दिन विसर्जन होता है। एक हफ्ते के लिए जो पंडाल लगता है देवी जी का,
तो पहले दिन वहां विसर्जन होता है, अंतिम दिन, पहले दिन प्राण प्रतिष्ठा होती है, अंतिम दिन विसर्जन होता है। जब तक विसर्जन नहीं हो जाएगा वो मंदिर ही मंदिर रहेगा, उसका करेक्टर चेंज नहीं होगा। लेकिन अयोध्या मामले में फैसला देते हुए 5 जजों की पीठ ने कहा था कि अयोध्या मामला इससे अलग है और बाकी सारों पर 1991 का उपासना स्थल कानून लागू रहेगा। अयोध्या के मामले में ये कानून चैलेंज ही नहीं था, अयोध्या के मामले में इस कानून पर जिक्र तो है, फैसला जिक्र तो जानबूझ के उन्होंने करवाया था, मुस्लिम पक्ष ने जानबूझ के, उनको लगा आगे कोई खतरा आएगा तो उन्होंने इस पे 2-3 घंटे दलील दिया और दलील देके ये कहने की कोशिश किया, तो जस्ट उसमें एक रेफरेंस आ गया है, लेकिन चैलेंज नहीं हुआ। चैलेंज तो हमने किया हुआ है, मेरे बाद सुब्रमण्य स्वामी जी ने किया हुआ है और स्वामी जितेंद्र नंद जी किया हुआ है, 3-4 और भी PIL है, तो चैलेंज तो बाद में हुआ है, इसलिए वहां पे इस कानून के मेरिट पे कोई बात ही नहीं। हमारे दर्शकों को एक बार ये याद करा दें कि आपने याचिका कब डाली थी और नोटिस कब हुआ था इस पे। मैंने 2020 में याचिका डाली अक्टूबर में, दशहरे के बाद भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद, और 2021 में मार्च में इस पे नोटिस हो गया था। 12 मार्च को हमारी PIL पे नोटिस हुआ था, 26 मार्च को स्वामी जी की PIL पे नोटिस हुआ, सुब्रमण्य स्वामी जी की। उसके बाद 2 और याचिकाएं हैं, जितेंद्रानंद जी की हैं और एक और पुरोहित महासभा है, उनकी याचिकाओं पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। सरकार का अभी तक इस पे कोई जवाब? सरकार जवाब नहीं दे रही है, सरकार काउंटर फाइल नहीं कर रही, इसका मतलब मौनम स्वीकार लक्षणम, ये तो वेल सेटल्ड लीगल प्रिंसिपल है, साइलेंस इज एक्सेप्टेंस। अगर हमने PIL फाइल कर दिया, हमारा प्रतिवादी जो गवर्नमेंट है इस मामले में, सरकार इस पे जवाब दाखिल नहीं कर रही, इसका मतलब हमने जो कानून को चैलेंज किया है वो इसको वैलिड मान रहे हैं, इसका मतलब हमारी मांग जो कानून खत्म करने की उसको वैलिड मान रहे हैं, इसका मतलब जिन ग्राउंड्स के ऊपर हमने कानून को चैलेंज किया वो वैलिड मान रहे हैं, इसलिए जवाब नहीं दाखिल कर रहे हैं। जिसके पास जवाब नहीं होता वही जवाब दाखिल नहीं करता, जिसके पास जवाब होता जवाब दाखिल करता है। सरकार जवाब दाखिल नहीं कर रही, इसका मतलब सरकार के पास जवाब नहीं है। यानी कोर्ट को भी इंतजार है सरकार के जवाब का, हमें और आपको आम भारतवासी को भी इंतजार है सरकार के जवाब का कि 1991 के उपासना स्थल कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर इस याचिका में दर्ज कराई गई आपत्तियों पर उनसे जवाब मांगा है, जवाब का बस अभी तक है इंतजार। कैमरामैन जिया उलग के साथ संजय शर्मा, दिल्ली।